ओके सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। और आज हम एडिट करने वाले हैं कुछ इतना का लिरिक्स वीडियो। इस वीडियो में आपको यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट लिरिक्स देखने को मिलेगा और फोटो के साथ आपको यहाँ पे गोल्डन प्लस ग्लोइंग लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को कैसे एडिट करना है स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। और ये जो वीडियो है काफी ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कैपकट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फाइंड कर सकते हो। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा कैपकट ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉक वीडियोज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको ब्लैक स्टॉक वीडियो को ऐड कर लेना है इस तरह से। एंड अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 916 का फॉर्मेट चूज कर लेना है। अब इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक ब्लैक लेयर मिलेगा, इसको डिलीट करेंगे एंड आपने जो स्टॉक वीडियो ऐड किया था उसको जूम कर लेंगे इस तरह से। इसको जूम करने के बाद स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको आइडियो को ऐड करना है। सिंपली आपको आइडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना म्यूजिक को ऐड कर लेना है। चलिए यहाँ से हमारा जो म्यूजिक है ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आपने जो ब्लैक वाला लेयर ऐड किया है, वीडियो ऐड किया है, उसका जो ड्यूरेशन है उसको रखना है 4.9 सेकेंड। ओके इस तरह से पकड़ेंगे और इसको कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिरिक्स को टाइप करना है। उसको टाइप करने के लिए सिंपली आपको स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे आपको प्ले करके वीडियो को सुन लेना है कि आपका जो फर्स्ट लिरिक्स है क्या है। चलिए इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लिरिक्स है अरे राम, ओके तो इसको हम टाइप करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हरे राम, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब इसके बाद आपको डबल ए स्टाइल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले आपको फॉन्ट को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम कोई अच्छा सा एक फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। चलिए हम यहाँ से ये वाला फॉन्ट को चूज कर लेते हैं। क्या नाम लिखा है भाई, जेट ब्रेन्स मोनो, पता नहीं क्या लिखा है, इस वाले को चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्पेसिंग पे जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको करेक्टर के बीच में जो स्पेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए आप करेक्टर पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड स्केल पे क्लिक करके इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। जितना आपको पसंद है छोटा बड़ा करना उसको कर सकते हो आप यहाँ स्केल पे क्लिक करके एंड यहाँ से डन करेंगे। इसके बाद इसका लेयर आपको रखना है ब्लैक लेयर तक, ठीक है, जहाँ तक आपका ब्लैक लेयर है उतना ही रखना है। अब इसके बाद दूसरा लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको सुनेंगे। दूसरा लिरिक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, कट कर लेना है, ठीक है। दूसरा लिरिक्स हमारा पहला वाला ही लिरिक्स है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद थर्ड वाला, इसके बाद आपको थर्ड वाले लिरिक्स को सुनना है, ठीक है, उसको टाइप कर लेना है। चलिए यहाँ पे हमारा जो लिरिक्स है टाइप हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब जो आपने लिरिक्स टाइप किया उस पर आपको यहाँ पे एनिमेशन देना है। उसको देने के लिए सिंपली आपको स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट वाले लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल ए स्टाइल पे आएंगे और आपको यहाँ पे राइट में एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आएंगे और आपको यहाँ पे इन एनिमेशन अप्लाई करना है, ठीक है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं ये वाला ब्लर वाला, ओके। और इसे अप्लाई करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है कम कर लेंगे, ठीक है, 0.4, 0.5, ठीक है, इतना कर लेंगे, 0.3 भी कर सकते हो आप। एंड इसके बाद आपको सेकंड वाले क्लिक करना है, डबल ए स्टाइल पे आना है और एनिमेशन आपको वही अप्लाई करना है ब्लर वाला, ठीक है, ये देखिए यहाँ मिल जाएगा। और ड्यूरेशन को कम कर लेंगे, ठीक है, 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड 5 सेकंड कर सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे हमारे सभी टेक्स्ट पे एनिमेशन लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको इमेज को ऐड करना है, ठीक है। इमेज को ऐड करने के लिए सिंपली आपको लास्ट पॉइंट पे आना है और आपको यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 6 इमेज को ऐड करना है, ठीक है। देखिए इमेज को कैसे ऐड करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज राम का ऐड करेंगे, दूसरा कृष्णा का, ठीक है। इसके बाद आपको डबल यहाँ पर इमेज राम का ऐड करना पड़ेगा, फिर से आपको कृष्णा का ऐड करना है एक, एंड इसके बाद फिर से आपको यहाँ राम का, ठीक है। 6 इमेज हमारा यहाँ पे हो चुका। इसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जूम कर लेना दोनों फिंगर से, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है उसको रखना है आपको 1.9 सेकंड, ठीक है, इस तरह से पकड़ के 1.9 सेकंड कर देंगे। एंड सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, इसको भी करेंगे 1.9 सेकंड।
इसके बाद आपको थर्ड वाली इमेज पे क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको रखना है 1.2 सेकंड, ओके इस तरह से रखेंगे। एंड फोर्थ वाले क्लिक करेंगे, अब इसको रखेंगे 1.9 सेकंड। एंड फाइव वाले क्लिक करेंगे और इसको रखेंगे 1.6 सेकंड, ठीक है। लास्ट वाले को इस तरह से म्यूजिक के बराबर करेंगे, ठीक है, 0.8 सेकंड होगा इसका। तो इमेज का ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से लिरिक्स को टाइप करना है, तो चलिए उसको टाइप करते हैं। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट लिरिक्स है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फोटो वाला। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लिरिक्स है हरे राम, ओके, सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है हरे राम, ठीक है, हरे राम, ओके, इस तरह टाइप करेंगे। और आपको डबल ए स्टाइल पे आना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट फॉन्ट पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये वाला फॉन्ट, ठीक है, इसका क्या नाम है भाई, डिस्टोरिया फ्री, ठीक है। इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फाइंड कर लेना, ओके। इसे अप्लाई करने के बाद आपको इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे आपको ये वाला जो इफेक्ट है आर्ट वाला, ठीक है, गोल्डन वाला, इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और इसको जूम करेंगे, ठीक है। जूम करने के बाद इसको नीचे यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है, ओके, और इसका जो लेयर है इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है, जहाँ तक आपका फोटो है, ओके। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे लिरिक्स को टाइप करना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा लिरिक्स है टाइप हो चुका है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे एनिमेशन देना है, ठीक है। तो उसको देने के लिए स्टार्टिंग में आएंगे, ओके, और फर्स्ट बार जो लिरिक्स है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था टाइप करना, तो इस पे क्लिक करेंगे, डबल स्टाइल पे आएंगे और एनिमेशन पे आएंगे, ठीक है। और इन एनिमेशन में आपको फर्स्ट में ये वाला अप्लाई करना है, ओके, इस तरह से। एंड इसका जो ड्यूरेशन थोड़ा सा इस तरह से घटा लेंगे, ठीक है, 0.5 या 6 कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड सेकेंड वाले क्लिक करेंगे, डबल स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये वाला, ठीक है। ये वाला, ठीक है, रैंडम लेटर वाला जो एनिमेशन, इसको अप्लाई करना है। अब इसका जो ड्यूरेशन आपको 0.5 या 0.6 कर सकते हो हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले लिरिक्स पे क्लिक करना और डबल ए स्टाइल पे आना, एनिमेशन पे आएंगे और यहाँ पे आपको ये वाला अप्लाई करना है, देखिए नीचे मिल जाएगा आपको ये वाला, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या नाम लिखा है भाई, फॉल्टी टेक्स्ट, ठीक है, फॉल्टी टेक्स्ट अप्लाई करना है, ओके। एंड इसका जो ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, ठीक है। एंड फोर्थ वाले क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन में आएंगे और आपको फिर से यहीं पर रैंडम लेटर अप्लाई करना है और इसका ड्यूरेशन आपको अपने हिसाब से रखना है, ठीक है, वही सेम अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले देखिए ये करना पड़ेगा फॉल्टी टेक्स्ट वाला, एंड इसका ड्यूरेशन रख लेंगे इतना, एंड इसका ड्यूरेशन अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। एंड सेकेंड वाले पे आपको यहाँ पर इस क्या नाम इसका रैंडम लेटर वाला, इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रिलीज कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे सभी टेक्स्ट पे जो एनिमेशन लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का जो फॉन्ट है थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, ये देखिए स्टार्टिंग में आएंगे, सेकंड वाले क्लिक करेंगे और डबल ए स्टाइल पे आएंगे, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक मल्टी कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आर्ट वाला ए वाला मिल जाएगा, ठीक है, कलर इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक लिरिक्स को स्किप करेंगे, सेकंड वाले क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको मल्टी कलर में आना है और इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये देखिए एक को स्किप करेंगे, अगले वाले क्लिक करेंगे, मल्टी कलर पे आएंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फोटो पे एनिमेशन अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको फोटो पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे आएंगे एंड आपको इसके बाद कॉम्बो पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लाइड एंड वेव फर्स्ट में अप्लाई करना है, ओके, इस तरह से। एंड सेकंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कॉम्बो में आना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे वेव एंड स्लाइड अप्लाई करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है और एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे कॉम्बो में आके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिस्टोर्ट राइट, ओके। एंड इसके बाद आपको फोर्थ वाले इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्टोर्ट लेफ्ट अप्लाई करेंगे, ओके। एंड इसके बाद पांचवे इमेज पे आप कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट वाले पे जो आपकी मर्जी है वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन लग चुका है, ठीक है, सभी इमेज पे।
इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फोटो पे क्लिक करना है इस तरह से, और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम ब्राइटनेस को इसलिए कम कर रहे हैं ताकि जो हमारा लिरिक्स है थोड़ा उभर के आए, ठीक है, तो थोड़ा सा कम करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, एक्सपोजर को थोड़ा सा घटा लेंगे, शार्पन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अप्लाई टू वॉल कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हमारा जो लिरिक्स है थोड़ा उभर के आ रहा है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है इसी पे, एंड आपको एडजस्ट पे आना है और यहाँ पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सा अप्लाई करेंगे, ये नेचर वाले में आएंगे और यहाँ पे डस्क मिल जाएगा, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई टू ऑल, ओके। ये देखिए यहाँ पे हो चुका, देखने में फ़ोटो और भी अवेसम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है कंप्लीट बन चुका है, इसको हम यहाँ पे प्ले करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा ब्लिंकिंग इफेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीट फास्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आपको इफेक्ट पे आना है, वीडियो इफेक्ट पे आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी वाले में आना होगा और यहाँ पे आपको वाइट फ्लैश यूज करना है, ठीक है। ब्लैक फ्लैश नहीं काम करेगा क्योंकि ब्लैक लेयर हमने लिया है, तो ब्लैक फ्लैश यहाँ पे नहीं काम करेगा, इसको मत अप्लाई करना, वाइट फ्लैश अप्लाई करना, ठीक है। एंड इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा देंगे इस तरह से, एंड इसका जो लेंथ है यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, लेयर को। अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, और आप चाहें तो यहाँ पर बीच में आप ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ ट्रांजिशन को अप्लाई, ठीक है। आप यहाँ पर कैमरा में जाके कोई एक ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। वीडियो जो है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, थोड़ा सा हम यहाँ पर इफेक्ट को डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आएंगे, वीडियो इफेक्ट पर आएंगे, और इसके बाद आपको नेचर में आना, ठीक है। ये देखिए लास्ट में नेचर मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्ट रोजेज मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ पे इसको भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह से क्लिक करके, ठीक है, पूरे वीडियो पे। और इसके बाद और भी इफेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे, जो आपको पसंद है सिंपली आप उसको यूज कर लेना, ठीक है। स्टीम भी लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा धुआं धुआं हो जाएगा। तो गाइज वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद सेव कर लेना है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ना पसंद आए तो भी लाइक करें।